आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेली करंट अफेयर्स का 27 मार्च 2023 का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यह सभी क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग उसी क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं जिसको आने की संभावनाएं ज्यादा है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा शहर G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग सम्मेलन का मेजबान है? इसका सही उत्तर है डिब्रूगढ़ जो है, जो कि असम में स्थित है। वह G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग सम्मेलन का मेजबान है। अगला है, किस संस्थान ने एक व्यापक स्व निगरानी ढांचे ATL सारथी का शुभारंभ किया है? तो सही उत्तर इसका नीति आयोग जो है वह एक व्यापक स्व निगरानी ढांचे ATL सारथी का शुभारंभ किया है। अगला है, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में खबरों में देखा गया था वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सही उत्तर इसका है मध्य प्रदेश में स्थित है माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है, और जो यह माधव नेशनल पार्क है वह मध्य प्रदेश में शिवपुरी एक जगह है, इसके नजदीक यह स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या है कि शहर का भी नाम पूछ देता है, तो आपको यह याद रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने भारत का भूस्खलन एटलस जारी किया है? तो सही उत्तर है इसका इसरो जो है, भारत का यह अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, जो कि भारत का भूस्खलन एटलस को जारी किया है। अगला है, विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या कितने अंकों के साथ एक अल्फा संख्यात्मक संख्या है? तो सही उत्तर है 14। जो भूमि पार्सल पहचान संख्या है वह 14 अंकों के साथ एक अल्फा संख्यात्मक या संख्या है, यानी एक यह जो है 14 अंकों का है जिसमें अल्फा न्यूमेरिक नंबर रहेगा। अगला है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो सही उत्तर है उत्तराखंड की जो सरकार है वह मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को शुरुआत किया है। तो सही उत्तर है इसका छत्तीसगढ़ सरकार। अगला है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने लीन योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है MSME मंत्रालय। MSME जो मंत्रालय है वह लीन योजना का शुरुआत किया है, और MSME का जो फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो फुल फॉर्म इसका है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, MSME का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मानवाधिकार प्रथाओं पर 2022 कंट्री रिपोर्ट लॉन्च की है? तो सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वह मानवाधिकार प्रथाओं पर 2022 कंट्री रिपोर्ट को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, पोलियो के मामले हाल ही में 30 वर्षों में पहली बार किस देश में दर्ज किए गए थे? तो सही उत्तर इसका है बुरुंडी जो देश है वहां 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं। अगला है, UBS जो समूह है वह किस देश में स्थित एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक है? तो सही उत्तर है स्विट्जरलैंड का बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक है UBS जो ग्रुप है वह। UBS जो है वह स्विट्जरलैंड का है, एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक है। अगला है, 2023 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितने देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है टोटल 18 जो देश है इसको रुपए में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई थी, और यह जो 18 देश है उसका नाम है बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और यूनाइटेड किंगडम। यह जो 18 देश है इसको रुपये में व्यापार करने की अनुमति प्रदान किया गया था, और इसके लिए इसे बोस्ट्रो रुपया खाता खोलने की अनुमति प्रदान की गई थी। अगला है, उस चक्रवात का नाम क्या है जिसके कारण मलावी और मोजाम्बिक में हवाएं और मूसलाधार
बारिश हुई है हाल ही में? तो सही उत्तर है उस चक्रवात का नाम है चक्रवात फ्रेडी। यह जो चक्रवात आया है मालावी और मोजाम्बिक में, जिसके कारण वहां मूसलाधार वर्षा हुई है, वह चक्रवात का नाम है फ्रेडी। अगला जो क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है हाल ही में न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके पहले जो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था चक्रधारी शरण सिंह। इसके पहले थे संजय करोल। अभी वर्तमान में जो है न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन। किस टीम ने पहली महिला प्रीमियर लीग 2023 जीती है? तो सही उत्तर है मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है। यह जो पहला महिला प्रीमियर लीग आयोजित किया गया था भारत में, जिसमें मुंबई इंडियंस जो है वह दिल्ली कैपिटल को हराकर अपना पहला खिताब जीता है और पहला महिला प्रीमियर लीग जो है इसका खिताब भी अपने नाम किया है। अगला है आईबीए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस स्थान पर आयोजित की गई है? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें कि भारत जो है वह 4 गोल्ड मेडल जीता है और यह 4 जो गोल्ड मेडल जीते हैं इनका नाम है निकहत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, नीतू घांगस और स्वीटी बूरा। यह जो 4 महिला मुक्केबाज हैं इसमें 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसी के साथ ही जो महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था इसका समापन हो गया। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे आप शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।